सारी ये देखिए परतों वाला, आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल एक एक अलग हुई हैं परतें, इतनी टेस्टी। और इसको किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी से खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और मैं इसको बिल्कुल चेक कर जाने वाली हूँ। लाजवाब पराठा है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देख रहे होंगे एक एक पार्ट इसका अलग है, इट्स टू टेस्टी। इसके लिए चाहिए हमें एक कप मैदा, और मैंने यहाँ आधा कप गेहूं का आटा लिया है इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, और इसकी जगह 2 टेबल स्पून सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक वाली। इसके साथ ही साथ हमको चाहिए 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, ये पिसी हुई चीनी है, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 कप यानी कि 1/4 कप हमको तेल चाहिए। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, थोड़ा हेल्दी वर्जन है। साथ ही में हमको चाहिए बस थोड़ा सा पानी। ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बीच बीच में वो सारे टिप्स दूंगी जिससे ये केरला पराठा या इतनी परतों वाला लच्छा नान आपको बहुत टेस्टी बनने वाला है। उसको देखने के लिए आपको पूरा मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए चलिए बनाते हैं ये केरला पराठा या लच्छा पराठा। 1 कप मैदे में हम डालेंगे ये 1/2 कप गेहूं का आटा, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी, ये है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से कि सारी चीज़ें ये मिक्स हो जाएं। इसमें थोड़ा सा इस तरीके से जगह करेंगे, और इसमें डालेंगे ये ऑयल, और ऑयल हमको करना है अच्छे से मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम ये अच्छे तरीके से मिला दें, मेरे हाथ साफ हैं, आप चाहें तो ग्लव्स पहन करके भी ये काम कर सकते हैं। अब अच्छे से ये ऑयल ना हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, आप जितना भी आटा लें, कभी 1/2 किलो 1 किलो या पार्टी में आपको बनाना हो तो बस क्या करना है आपको, आपका मोइन कितना होना चाहिए। मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आटे में हम मोइन कितना डालें, तो मोइन किसी भी आटे का जितना क्वांटिटी में आपने आटा लिया है उसका 1/4 होना चाहिए, या इतना होना चाहिए कि जब आप इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार इसको मिक्स कर रही हूँ, और जब हम इसको इस तरीके से करें मुट्ठी में बांधें तो उसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके से ये बंध जाना चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारा मोइन बिल्कुल सही है, और इसकी वजह से ही हमारा जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, हमको डो बनाना है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको पानी एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज वो गीला हो जाएगा। आपको डो ऐसा बनाना है जो कि बहुत गीला नहीं हो और बहुत सख्त भी नहीं हो। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे। हमने एक मीडियम डो बना के तैयार किया है, ये देखिए सॉफ्ट है काफ़ी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी ये हमारा अच्छा पराठा नहीं बनेगा, और बहुत अगर आप सॉफ्ट कर देंगे तो बेलने में नहीं आएगा। अब हमें करना क्या है, इस पर थोड़ा सा ऑयल डालना है, इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल करके हमें इसको चारों तरफ से चिकना कर देना है, और इसको हम रेस्ट होने रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा कम समय लगता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, आप उसको थोड़ा सा 20 मिनट रेस्ट होने दें। आप चाहें तो कपड़े से इसको ढक करके रखें या प्लेट से ढक करके रख दें। इसको इस तरीके से ढकेंगे और इसको रख देंगे। इतना आटा गूंथने में मेरा 1/2 कप पानी लगा, आप ये देख रहे होंगे, बाकी ये बच गया है। 25 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम ना अच्छे से गूंथ लेंगे। 5 मिनट हम इसको इस तरीके से गूंथेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। पेड़े काट लेंगे इस तरीके से, और ये प्लेटफॉर्म मेरा क्लीन है, और इस पर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसके बाद एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जस्ट हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और हम इसको बड़ा सा इस तरीके से रोटी बेलने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही थिन रोटी बने, यानी कि पतली से पतली रोटी आपको बेलनी है। हर एक एंगल से आपको इस तरीके से इसको करना है, कहीं मोटा और पतला ना रहे, इवन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से आटा डस्ट करते रहें और पलट पलट के इस तरीके से बनाते रहें, और इसको बड़ा करने की कोशिश करें। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। इतनी बड़ी रोटी हमने बेल ली है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ब्रश करेंगे इस तरीके से,
और पिज्जा कटर या चाकू की हेल्प से इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरीके से इसको काटेंगे, इस तरीके से जैसे आप खुर में काटते होंगे ना, उसी तरीके से हमको करना है। जितना पतला करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हम सारा काट लेंगे। अब इसको क्या करना है ना, साइड से इस तरीके से हमको फोल्ड बनाना है। तो आप इस तरीके से नाइफ की हेल्प से आप इसको फोल्ड करते रहिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते रहिए। ये देखिए इस तरीके से रोल करते जाएंगे। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस तरीके से थोड़ा सा और ऑयल ब्रश करेंगे और इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे, इस तरीके से खींच करके इस तरीके से इसको खींचेंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे। अब मैं जो करने जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस तरीके से हमें करना है, यानी कि अपने इन उंगलियों के बीच में आपने एक रोल बनाया, दो रोल बनाया, तीसरा रोल बनाया, और ये जो लास्ट पोर्शन बचा आपको ना पहले उंगलियों को बाहर निकालना है, इसके पीछे इस हिस्से के अंदर डाल देना है इस तरीके से, और थोड़ा सा हमको इस तरीके से प्रेस करके इसको रखना है। और इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। और ये देखिए बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर जाना है। और अब करना क्या है हमको, इसके ऊपर भी हमको थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है इसके ऊपर। अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने से पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। आप थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी कर दीजिए, उसके बाद बनाना भी इजी होगा और जो पराठे हैं ना बहुत ही आपके सॉफ्ट बनेंगे। हल्के हाथों से हमको इसको करना है। आप चाहें तो इसको हाथों की हेल्प से ही इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं तो बेलन ही बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलाएं, बहुत ही हल्के हाथों से इसको बड़ा करने की कोशिश करें, और बहुत बड़ा नहीं करेंगे इसको। ये देखिए बस हमको और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और सारे पेड़ों को भी आप इसी तरीके से इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये रोटियां बन जाती हैं। अब चलिए अब इसको तवे पे डाल करके सेक लेते हैं। एक तवा लेंगे और उसको हल्का सा गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल कर देंगे इस तरीके से, और जो पराठा हमने बनाया है इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे। अगर आपको इस पे बड़ा करना है तो इस पे ही आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। और इस समय हम हीट को लो टू मीडियम कर देंगे, और आधे मिनट के बाद हम इसको जस्ट फ्लिप करेंगे इस तरीके से। और फ्लिप करने के बाद हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे, और अगेन लगाने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, और इस साइड भी हम इसको ऑयल लगा देंगे। और अब इसको हम लो टू मीडियम आंच पे ही पकने देंगे, और इसको दोनों साइड से फ्लिप करके पका लेंगे। और ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है, तो बहुत तेज आंच नहीं करेंगे अदरवाइज ये जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो इसको दबा लें थोड़ा सा, और इस तरीके से आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये पकेगा ना आपको ये दिखेगा इसकी सारी परतें ये अलग होने लगेंगी, और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट होता है। और आपको दिखाते हैं कि ये धीरे धीरे ये जो परतें हैं ये अलग होंगी, लुक एट दिस। और ये देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए ये सारी परतें जो हैं अब अलग हो रही हैं इस तरीके से, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से ये पक गया है दोनों साइड से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा बना लेंगे। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, और इस तरीके से तवे पे रख करके उसको सेट कर दीजिए, उसको शेप दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए जब स्टार्टिंग में पराठा डालें तो हीट को थोड़ा तेज रखें, और जब आप फ्लिप करेंगे ना उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, कुछ सेकंड्स के बाद हम इसको भी फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है आप देख रहे हैं, और मैंने इसको प्योर मैदे से नहीं बनाया तो थोड़ा हेल्दी भी है, और ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। इस तरीके से आप ऑयल कर दीजिए, और धीमी आंच पे अब इसको दोनों साइड से हम पका लेंगे। और ये देखिए अच्छे तरीके से हो गया है। आपको चलते हैं इसकी परतें दिखाते हैं, और ये देखिए कितनी परतें इसमें आई हैं आप ये देख रहे होंगे। जस्ट आप इस तरीके से कीजिए और ये आपका बहुत सारी परतों वाला, ये देखिए यम। और इसको आप किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं।
आप इसको चाहे तो पनीर की सब्जी के साथ खा सकते हैं, आप किसी भी ग्रेवी वाली आलू टमाटर की सब्जी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। लुक एट दिस, इतने सारे आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए परते, मैं बहुत करीब से आपको कैमरा ले जाके दिखा रही हूँ, इसमें इतनी सारी परते हैं, ये देखिए।